मेरे बच्चों की माँ की जिंदगी का मामला है, इसके बारे में बताएं आपके लोग मुझे क्यों नहीं मिलना चाह रहे। सर चैलेंज कर दी है ना मैंने, मैं 3 रिपोर्टें लेके आया हूँ, आपको चैलेंज किया, आप चैलेंज करें ना। मैं शौकत खानम हॉस्पिटल में गया हूँ आज, इमरान खान के हॉस्पिटल में जाके 3 घंटे में खड़ा रहा हूँ, कोटी वाले 4 घंटे से मुझे जलील कर रहे हैं। ये शौकत खानम पैसे ले रही है, लोगों से धोखा कर रही है, 3 लेबोरेटरियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये धोखा क्यों दे रहे शौकत खानम वाले लोगों को? भाई आप मुझे सच बताएं, ये पॉजिटिव की रिपोर्ट आपने क्यों दी है? चुपकाई ले की डॉक्टर उमर चुपकाई ने खुद इसकी रिपोर्ट की है। रहमान रहीम, आज मैं सारे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, मेरी बीवी का इलाज चल रहा है नेशनल हॉस्पिटल में, जिसमें शौकत खानम वालों ने उसका टेस्ट किया कि इसको कोरोना है। ये शौकत खानम लेबोरेटरी वाले हैं, इन्होंने टेस्ट किया कि मेरी बीवी को कोरोना है, लेकिन मैंने टेस्ट की 6 लेबोरेटरियों से रिपोर्ट करवाई है और वो रिपोर्ट में है कि उसको कोरोना नेगेटिव है, उसको कोरोना नहीं है। सारी लेबोरेटरियों ने रिपोर्ट दी कि कोरोना नहीं है। ये शौकत खानम पैसे ले रही है, लोगों से धोखा कर रही है। ये आपको मैं शौकत खानम की लेबोरेटरी के अंदर लेके जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये शौकत खानम की लेबोरेटरी वाले बैठे हैं। भाई आप दिखाएं वो रिपोर्ट शौकत खानम वाली जो आपके पास है। ये शौकत खानम की लेबोरेटरी है, इन्होंने कोरोना की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव दी है, जबकि कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ये बोर्ड बैठा डॉक्टरों का, इन्होंने कहा कोरोना नहीं है, नो डिटेक्टिव। फिर दूसरी लेबोरेटरी से रिपोर्ट कराई है, उन्होंने भी कहा जी कोरोना नहीं है, नो डिटेक्टिव। 2 लेबोरेटरियों की रिपोर्ट आ गई, फिर तीसरी लेबोरेटरी से आज पर्सनल डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने भी कहा जी कोरोना नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि कोरोना नहीं है, लेकिन इन्होंने धोखाधड़ी से शौकत खानम पैसे इकट्ठे कर रही है। ये बेचारा कह रहे हैं जी आप बताएं जी, ये शौकत खानम की तरफ से ये जो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है और मैं शौकत खानम गया मुझे कोई मिलने भी नहीं दे रहा, ये रिपोर्ट के बारे में आप बताएं, ये रिपोर्ट पॉजिटिव बाकी लेबोरेटरियों की नेगेटिव है, आपने पॉजिटिव कैसे दी इसके बारे में मुझे बताएं मीडिया पे। लेकर आगे भी देख सकते हैं, हमारे मेन हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर साहब हैं वही आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। हमारा काम तो जस्ट सैंपल रिसीव, आप उनसे कॉल करके ये क्यों नहीं पूछ रहे कि जी यहाँ पे पेशेंट एक बंदे को हमने रिपोर्ट पॉजिटिव दी है लेकिन उनकी नेगेटिव आई है, 3 लेबोरेटरियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये धोखा क्यों दे रहे शौकत खानम वाले लोगों को? आम आदमियों को पॉजिटिव करी जा रहे हैं, हर बंदे को पॉजिटिव कर रहे हैं, ये क्यों ज्यादती कर रहे हैं शौकत खानम वाले, इसके बारे में बताएं। आप ऊपर मुंह करें मुझे बताएं, इधर मुंह करके ये इस टाइम पे सोशल मीडिया देख रही है कि शौकत खानम वाले ज्यादती करें, अभी इधर बताएं मेरे भाई, आपका कोई कसूर नहीं, जिसका कसूर आप इसको सच बताएं। भाई आप मुझे सच बताएं, ये पॉजिटिव की रिपोर्ट आपने क्यों दी है? चुपकाई लैब की डॉक्टर उमर चुपकाई ने खुद इसकी रिपोर्ट की है, फाइनल रिपोर्ट ये देखें जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज डॉक्टर उमर जो चुपकाई लैब के मालिक हैं, आज उन्होंने ये फाइनल रिपोर्ट जो है ये अभी अर्जेंट बेस पे उन्होंने कोरोना की आज टेस्ट लिया है, जिसमें डॉक्टर उमर ने वेरिफिकेशन कर दी है। ये देखें सेल्फ, ये डेटें आप देखें कि आज 2:01 पे ये कलेक्ट की है 11 तारीख को, और इसमें कोरोना की जो रिपोर्ट आई है ये आई है जी कोरोना इज नॉट डिटेक्टेड, के कोरोना का वायरस नहीं है इसमें, तो मेरी बीवी को इन्होंने कोरोने में डाल दिया। आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग इसके लिए उठें और इमरान खान के ये जो शौकत खानम है इसके लिए बाहर निकलें और लोगों को बताएं कि ये कोरोना पॉजिटिव की झूठी रिपोर्टें दे रही हैं। चुपकाई लैब ने 3 दफ़ा किया PCR और वो कह रहे हैं जी कि हमारी रिपोर्ट जो है ये 1 नंबर है। आप जहाँ मर्जी इसको हाईकोर्ट चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करें, लेकिन ये अभी तक मुझे कोई मौकफ देने से घबरा रहे हैं, ये मुझे बता नहीं रहे, बताइए बताइए भाई। सर ये इतना आदमी को मतलब चैलेंज जरूर करें, आपको किसी किस्म का मसला है तो बाकी ये कि आप जो है सर चैलेंज कर दी है ना मैंने, मैं 3 रिपोर्टें लेके आया हूँ, आपको चैलेंज किया, अब आप चैलेंज करें ना। मैंने 3 रिपोर्टें चैलेंज की है, 3 लेबोरेटरियों की रिपोर्टें मुख्तलिफ डेटों की, 10 तारीख 11 तारीख 9 तारीख और आज की डेट 11, एक भी रिपोर्ट में कोरोना वायरस नहीं पाया गया। आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि कोरोना आपने पॉजिटिव कैसे कर दिया? हमारे इलाके में खौफ डल गया, मेरे घरों में खौफ डल गया, जबकि मेरी बीवी को कोरोना नहीं है, मेरी बीवी क्लियर है, उसके रिजल्ट क्लियर आए हैं। आज मैं ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ये बात कर रहा हूँ, आप बताएं ये आपने कोरोना की रिपोर्ट आपकी लेबोरेटरी ने पॉजिटिव कैसे दी? आप 2 नंबर काम कर रही है, आपकी लेबोरेटरी लोगों को धोखा दे रही है, मुझे बताएं मेरी किसी की जिंदगी, मुझे आपकी लेबोरेटरी से कोई गर्ज नहीं है, ये किस कौन मालिक है, किसके नाम की है? मेरी बीवी की जिंदगी का मामला है, मेरे बच्चों की माँ की जिंदगी का मामला है, इसके बारे में बताएं आपके लोग मुझे क्यों नहीं मिलना चाह रहे? आपके कोई सीनियर मैनेजर किधर है छुपे, उनको बाहर बुलाएं। आपका ठीक है कोई कसूर नहीं, आप अपने मैनेजर को बुलाएं जो यहाँ पे होते हैं, जिनको मैंने रिपोर्ट किया था, कोई बंदा ऑथेंटिक बंदे को बाहर बुलाएं। हॉस्पिटल ही आपको जाना पड़ेगा, जाहिर बात है वही अप्रूवल देते हैं रिजल्ट,
हम लोग तो जस्ट एक सैंपल आप भाई आप उनको फोन करें ना, उनको कि यहाँ पे आपकी रिपोर्ट गलत आ गई है, आपने पॉजिटिव दिया, क्यों नहीं फोन करके कह रहे उन्हें मुझे बंदा यहाँ पे अभी बुलाए ना, नहीं तो मैं पूरी मार्केट में यहाँ पे सब लोगों को बताऊंगा। मैं ये बात ऊपर तक जानी चाहिए। मैं आपके आपकी लिबास मैं आज सुने जी, मैं शौकत खानम हॉस्पिटल में गया हूँ आज, इमरान खान के हॉस्पिटल में जाके 3 घंटे में खड़ा रहा हूँ कि मेरी बीवी की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, वो नेगेटिव है, लेकिन मुझे उन्होंने अंदर भी जाने दिया। सिक्योरिटी वाले 4 घंटे से मुझे जलील कर रहे हैं, 4 घंटे से मैं सड़कों पर खुआर काट रहा हूँ। मेरी चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से अपील है, मेरी पाकिस्तान के सारे अदारों से अपील है, मेरी खुद शौकत खानम के मालिक इमरान खान से अपील है कि इमरान खान अपनी लेबॉर्टरी का टेस्ट करवाएं। इमरान खान की लेबॉर्टरी का जो टेस्ट है वो 2 नंबर तरीके से वहां पे लोग कर रहे हैं, उनको इलम नहीं है। आप मेरा भाई सारे मदद करें, मेरे जितने दोस्त व्यूवर देख रहे हैं सब मदद करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरी बीवी का कोरोना पॉजिटिव निकला, सारी लेबॉर्टरियों ने रिपोर्ट नेगेटिव दी है, इन्होंने 2 नंबर रिपोर्ट दी है, अब ये रिपोर्ट की आगे मालूम देने के लिए कतरा रहे हैं। तो आपकी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये शौकत खानम की जो लेबॉर्टरी कलेक्शन है आप इनके सैंपल इनसे ना लें, मेरे सैंपल आप चेक कर, जो मेरे लेबॉर्टरी का रिपोर्ट आई है सैंपल की, आज फिर डॉक्टर उमर चुगताई जो चुगताई लैब के मालिक हैं वो पर्सनली उन्होंने आज फिर रिजल्ट मंगा के पूरे अच्छी तरीका से उन्होंने रिजल्ट देखा, दोबारा उन्होंने PCR दोबारा लगा के 6-8 घंटों में उन्होंने रिपोर्ट दी है कि कोरोना इज नो डिटेक्टिव, इस सूरत में कोरोना के वायरस नहीं है, लेकिन इन्होंने वायरस की रिपोर्ट गलत दी है। हमें खौफ में डाला, मेरे इलाके को खौफ में डाला, मेरी फैमिली को खौफ में डाला। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको करें, सब लोगों को व्यूवर को पता लगे। ये देखें शौकत खानम की ये लेबॉर्टरी है, इन्होंने 2 नंबर तरीके से रिपोर्टें दी है शौकत खानम ने। मेरी कोरोना जो है वो नेगेटिव निकला, इन्होंने पॉजिटिव की रिपोर्ट दी है। सब ये देखें आप शौकत खानम की, ये आप देख सकते हैं, ये शौकत खानम लेबॉर्टरी कलेक्शन। ये अब ये जो है अब इनके बंदे ये छुपा रहे हैं बातें, अब ये मुझे मिलने नहीं दे रहे, इन ये किसी बंदे से मुलाकात नहीं कर रहे। ये सब दोस्त देख, सब दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ, ये देखे मैं जितने लोग हैं आप सब लोग देखे, इन्होंने शौकत खानम वालों ने मेरी बीवी का कोरोना पॉजिटिव किया, जबकि बाकी लेबॉर्टरियों ने ये देखे बाकी लेबॉर्टरियों ने कोरोना नेगेटिव दिया है। सब लेबॉर्टरियों के टेस्ट मुख्तलिफ लेबॉर्टरियों के टेस्ट आ गए हैं जिनका कोरोना नेगेटिव है। इन्होंने जाली डिग्री पे इन्होंने केस बना के कोरोना का इन्होंने मेरा कोरोना का लिखा है। आप लोग, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसका आज खुद नोटिस लें।